जय हिंद साथियों, वेलकम टू आईएएस स्टडी ट्रिक यूट्यूब चैनल और सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत सारी जो रचनाएं हैं, जो निबंध हैं हिंदी साहित्य में, उनको आज हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसी भी ट्रिक बनेगी उनको याद करने का प्रयास करेंगे। एक और निवेदन करूंगा आपसे कि एक हमारा जो चैनल है जिसमें बहुत सारे वीडियो हैं, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो हैं, ASM अकेडमी जबलपुर करके, वो भी आप सब्सक्राइब कर लें और आज का इस वीडियो जो है इसको लाइक करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो है कि बाल विवाह निबंध की रचनाकार कौन है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें बाल विवाह निबंध की रचनाकार हमें बताना है। यहाँ पर बाल विवाह दिया है और यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, बालकृष्ण भट्ट। अब इसको क्या याद करना है, अब यहाँ पर बाल दिया है और यहाँ पर भी बाल दिया है, तो बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट का निबंध हो जाएगा। ऐसे तो अब इसको याद करने की कोई वैसी जरूरत नहीं है, बाल विवाह निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे याद करो। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? जी हाँ दोस्तों, मजदूरी और प्रेम जे सरदार पूर्ण सिंह। यहां पर क्या दिया है, पूर्ण पूर्ण दिया है ना। तो अब एक बात बताना, ना तो कोई प्रेम पूर्ण मिलता है किसी को और ना ही किसी को मजदूरी पूरी मिलती है। मिलती है क्या, किसी को मिली हो तो बता देना कमेंट के माध्यम से। अभी तक ना तो मजदूरी किसी को मिली है ना प्रेम किसी को मिला है, इसलिए मजदूरी और प्रेम जो निबंध होगा वो किसका होगा, सरदार पूर्ण सिंह का होगा। क्योंकि ना मजदूरी पूर्ण मिलती है ना क्या मिलती है, प्रेम पूर्ण मिलता है। इस प्रकार से ऐसे याद कर लेंगे तो निबंध किसका हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह का, मजदूरी और प्रेम, इसको ऐसे याद करना है। श्रृंखला की कड़ियां निबंध किसका है? जी हाँ दोस्तों, श्रृंखला की कड़ियां बताना है अब आपको। तो ये क्या है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां है ना। जब आप देखते हैं कि नव दुर्गा में महादेवी के यहाँ क्या रखते हैं, जवारे रखते हैं, तो जवारे लेके जब निकलते हैं जवारे, तो कैसे एक के बाद एक कड़ी मिला के ऐसे श्रृंखला की कड़ियां मिलती है, एक के एक पीछे जवारे लेके चलते हैं, तो इस श्रृंखला की क्या बन जाती है, कड़ियां बन जाती हैं। तो इस श्रृंखला की कड़ियां किसका हो जाएगा, महादेवी वर्मा का। ऐसे इसको याद करना है रिलेट करके। ठीक है, देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आस्था के चरण किसका निबंध है, आस्था के चरण, आस्था के चरण बताना है आपको। तो डॉक्टर नगेंद्र इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है आस्था के चरण। ठीक है, अब आपने नाग देवता देखे होंगे, नाग देते हैं। अब किसी किसी को नाग देवता में क्या होती है, आस्था होती है ना। नाग देवता कहाँ होते हैं, शंकर जी के गले में पड़े हैं नाग देवता। तो आस्था होती है सबकी की नहीं होती, सबकी आस्था होती, तो आस्था के चरण किसका होगा, नाग देवता का होगा आस्था के चरण। तो नाग मतलब नाग से क्या हो जाएगा, नगेंद्र। तो आस्था के चरण किसका हो जाएगा, नगेंद्र का, ये निबंध हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का, इसको ऐसे याद करना है। अशोक के फूल, जी हाँ दोस्तों, अशोक के फूल क्या है, इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको हमने पहले भी याद किया था। कैसे याद किया था, कि अशोक में एक फूल लगेगा कि हजार लगेंगे, हजार फूल लगेंगे, तो ये अशोक के फूल किसके हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये निबंध हो जाएगा अशोक के फूल। ठीक है, इसको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट हो जाएगा शिखरों के सेतु निबंध की रचना किसने की है। जी हाँ दोस्तों, शिखरों के सेतु कौन थे, शिवजी। शिवजी कहाँ चले गए थे, कैलाश पर्वत के शिखर, कैलाश पर्वत के ऊपर चले गए थे, मतलब कैलाश पर्वत पर चले गए थे, उसके शिखरों पर चले गए थे। शिखरों की सेतु कौन है, शिव। तो शिखरों की सेतु निबंध किसका हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह का हो जाएगा, ऐसे याद करना है ना। शिखरों की सेतु, शिखर होता है पर्वत का, और पर्वत पर कौन गए थे, शिव जी गए थे, ऐसे याद कर लेना है। शिकायत मुझे भी निबंध है किसका है, हरिशंकर परसाई। अब हरि मतलब क्या होता है, भगवान, और भगवान से तो शिकायत सबको होती है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे परीक्षा में इतने अंक आए, मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं बड़ा दुखी हूं, इस प्रकार से। तो मुझे शिकायत मुझे भी है किसका होगा, हरिशंकर परसाई। व्यंगकार है हरिशंकर परसाई, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है, इसको अच्छे से याद रखना है। शिकायत मुझे भी है निबंध किसका है, हरिशंकर परसाई का हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट साहित्य और संस्कृति, साहित्य और संस्कृति निबंध बताना है आपको, अमृतलाल नागर। अब एक चीज बताना कि संस्कृति क्या होती है, हमारे जो सामाजिक धरोहर होती है संस्कृति, और वो कैसी होती है, हमारी अमृत के समान होती है संस्कृति, और साहित्य भी अमृत के समान, जो हम पढ़ रहे हैं ना साहित्य, ये क्या है हमारा, अमृत के समान है। हमें पूर्व की जो कृतियां हैं, पूर्व के जो विचार हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हमें जानने को मिलती हैं। तो साहित्य और संस्कृति निबंध के रचनाकार कौन हो जाएंगे,
अमृतलाल नागर हो जाएंगे, क्योंकि साहित्य और संस्कृति दोनों ही हमें क्या है, अमृत के समान है और बहुत प्यारी हैं। ठीक है, तो साहित्य और संस्कृति निबंध किसका हो जाएगा, अमृतलाल नागर का। नेक्स्ट देखिए, चितवन की छाया निबंध के रचनाकार कौन है, चितवन की छाया। ठीक है, तो अब हमें अगर विद्या प्राप्त करनी है, इसके उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। तो विद्या अगर प्राप्त करनी है तो हमें किसी की छाया में रहना होगा, किसकी छाया में, गुरु की छाया में। बोले उसके ऊपर तो क्या है, गुरु की छाया है, तभी तो वो विद्या प्राप्त कर रहा है ना। तो चितवन की छाया किसकी हो जाएगी, विद्यानिवास मिश्र की। तो विद्या प्राप्त करना है तो गुरु की छाया में रहना होगा, छाया में रहना होगा इस प्रकार से। तो चितवन की छाया विद्यानिवास मिश्र, ऐसे याद करेंगे। छोटे छोटे सुख निबंध के रचनाकार कौन है, छोटे छोटे सुख। तो हम क्या करें, अगर हमें राम के दरस मिल जाए, राम के क्या मिल जाए, दरस मिल जाए, तो हमें छोटे छोटे सुख जो है मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। हम राम के दरस करने जाते हैं कि भगवान हमें सुखी करना, हमें ये दे देना, हमें संपत्ति दे देना, है ना। बहुत सारे सुख हम मांग लाते हैं, किसके दरस करने जाते हैं, जब राम के दरस। तो छोटे छोटे सुख मिल जाते हैं राम के दरस से। तो छोटे छोटे सुख निबंध किसका होगा, राम दरस मिश्र का हो जाएगा, ऐसा याद करना है इसको। नेक्स्ट देखें, जिंदगी मुस्काई के लेखक कौन है, जिंदगी मुस्काई, सबकी जिंदगी मुस्काती है, कब मुस्काती है, अगर कन्हैया जी के दर्शन हो जाए ना आपको, तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, मुस्कुरा जाएगी, है ना। तो कन्हैया जी के दर्शन कर लेना है सबको, सबकी जिंदगी मुस्काई। तो जिंदगी मुस्काई के लेखक कौन हो जाएंगे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर, तो ये हो जाएगी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्काई। बोले जिंदगी मुस्काई क्यों मुस्काई, क्योंकि क्या हो गए, कन्हैया के दर्शन हो गए। ठीक है, अब तरंगणी किसका निबंध है ना। तो तरंगणी होता है क्या, वियोगी हरि, वियोगी हरि। तो तरंगणी मतलब एक तरंग होती है, काय की तरंग होती, तरंग मतलब क्या होता है, लहर। तो वियोग की भी एक लहर होती है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी को वियोग हो जाता है तो वो एक लहर होती है ना। तो वियोग की भी एक लहर होती है, तरंगणी मतलब होता है क्या, लहर। हम मान लेंगे तरंग कह लेंगे इसको, तरंग है ना, तरंग। तो तरंग मतलब होता है लहर, और लहर काय की होती है, वियोग की लहर होती है। ठीक है, तो वियोगी हर हो जाएंगे तरंगणी निबंध के, इस प्रकार से याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देखें, संस्कृति के चार अध्याय। अब संस्कृति के चार अध्याय हमें याद करना है ना। तो अगर आप संस्कृति के चार अध्याय पढ़ेंगे तो रात में पढ़ेंगे या दिन में पढ़ेंगे, अंधकार में पढ़ेंगे, तो हमें दिन में पढ़ना है। मतलब संस्कृति के चार अध्याय तो दिनकर। ठीक है, अब हमें दिन में पढ़ना है संस्कृति के चार अध्याय, अंधेरे में नहीं पढ़ना है। तो दिनकर हो जाएंगे, मतलब दिन में हमें पढ़ना है संस्कृति के चार अध्याय, याद करना है। ठीक है, ठेले पर हिमालय निबंध के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती। ठीक है, कौन है, धर्मवीर भारती जो है, ठेले पर हिमालय इनका निबंध है, धर्मवीर भारती जी का, इसको भी याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, साहित्य की, साहित्य की निबंध के रचनाकार के नाम बताओ, साहित्य की निबंध है। अभी हमने साहित्य पढ़ा था, और साहित्य देवता बता दें हम, साहित्य देवता किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी का है, लेकिन साहित्य की निबंध के रचनाकार कौन है, तो ये है शांति प्रिय द्विवेदी। जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमें बड़ी शांति मिलती है, हम सभी कवियों के विचार जानते हैं, लेखकों के विचार जानते हैं, तो हमें क्या मिलने लगती है, शांति मिलने लगती है। तो साहित्य की निबंध किसका हो जाएगा, शांति प्रिय द्विवेदी का हो जाएगा, ऐसे याद करना है इसको। थोड़ा सा रिलेट करके आप भी रिलेट करें, थोड़ा सा याद करें, थोड़ी सी वो हमारी जब भी एग्जाम में पूछी जाती है इस चीज, तो थोड़ा सा हमें याद आ जाता है इसको। तो साहित्य की निबंध के रचनाकार कौन है, शांति प्रिय द्विवेदी हो जाएंगे, ऐसे याद करो इसको। अमीर इरादे गरीब इरादे, अब एक बात बताना कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं और कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं, लेकिन दोनों ही क्या खाते हैं, माखन जरूर खाते हैं दोनों, है ना। तो अमीर इरादे और गरीब इरादे किसका निबंध हो जाएगा, ये माखनलाल चतुर्वेदी का, कि गरीब नहीं खाते माखन, सभी लोग खाते हैं, गरीब भी खाते हैं अमीर भी खाते हैं। तो अमीर इरादे गरीब इरादे सभी लोग माखन खाएंगे, तो अमीर इरादे गरीब इरादे के जो निबंधकार हो जाएंगे वो कौन होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा शंभुनाथ, शंभु, शिव शंभु का चिट्ठा। जी हाँ दोस्तों, शिव शंभु का चिट्ठा किसका होगा, बाल मुकुंद गुप्त का। आपको, आपने देखा होगा कि शिव जी के क्या है, बाल, बाल कैसे हो जाए, चिट्ठे के समान ऐसे गुथे रहते ना, तो शिव शंभु का चिट्ठा मतलब बाल मुकुंद। बोले शिव का क्या है, शिव का जो बाल है वो कैसे गुथे रहते हैं, चिट्ठा के चिट्ठा सा बना रहता है। ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे, शिव शंभु का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त, ऐसे याद कर लेंगे इसको। किसी बहाने रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियां।
है ना, दूसरी सतह तेलेज में निबंध, एक इसकी निबंध है, इसकी निबंधकार कौन है ये चीज बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा शरद जोशी। अब शरद जोशी कैसे हैं, इनको कैसे याद करें, तो देखना शरद जोशी अपनी पत्नी से बिछड़ गए। शरद जोशी क्या हो गए, अपनी पत्नी से बिछड़ गए। अब बिछड़ गए तो ये मिल नहीं पा रहे थे अपनी पत्नी से, तो इन एक दिन इनको जोश आ गया। क्या आ गया, जोश, जोशी से जोश आ गया। तो अब इनने सोचा कि अब हमें जाने को तो वहां पर कोई साधन नहीं है, तो ये क्या हो गए, राह किनारे बैठ गए। किसी बहाने ये राह किनारे बैठ गए, तो राह किनारे बैठ है ना, राह किनारे बैठ। और जब यहां पर कोई साधन नहीं मिल रहा था, तो वहां पर एक जीप पर सवार इल्लियां, जो जीप निकली उस पर क्या सवार थी, इल्लियां सवार थी है ना। तो जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां, ये इल्लियां वाला एक क्या निकला, एक गाड़ी निकली जिस पर जीप सवार क्या थी, इल्लियां सवार थी। तो जीप पर सवार इल्लियां, और फिर जब जीप जो थी जिस पर इल्लियां सवार थी उस पर ये बैठ गए, तो ये दूसरी सतह, मतलब दूसरी सतह, एक सतह से दूसरी सतह पहुंच गए, पहुंच गए। और पहुंच के जब ये पत्नी के पास पहुंचे, तो ऐसे करके पत्नी के चक्कर लगाने लगे, चक्कर लगाने लगे। तो पत्नी बोली कि ये क्या कर रहे हो, बोले यही तो तिलिज में है। तो तिलिज में भी इनका एक निबंध है, ठीक है। तो शरद जोशी क्या करे, पत्नी से मिलने जाना था इनको, तो किसी बहाने ये राह के किनारे बैठ गए। तो किसी बहाने इनका निबंध हो जाएगा राह किनारे बैठ, तो ये भी हो जाएगा। और उस जीप पर बैठे जिस पर क्या सवार थी, इल्लियां सवार थी, तो जीप पर सवार इल्लियां हो जाएगी। और एक सतह से दूसरी सतह गए, तो दूसरी सतह हो जाएगी। और चक्कर लगाने लगा, और पत्नी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो बोले यही तो तिलिज में है तुम्हें मनाने का, ठीक है। तो ऐसे करके इसको पूरा याद कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें परेशानियां किसका निबंध है। परेशानियां तो सबको आती हैं, आती हैं कि नहीं आती, लेकिन जब कोहली, यहाँ पर क्या आ रहा है, परेशानियां निबंध किसका है, कोहली का है। आपने कोहली का नाम सुना होगा, विराट कोहली। जब विराट कोहली बैटिंग करते ना, तो दूसरी टीम के क्या परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो परेशानियां किसका हो जाएगा निबंध, वो हो जाएगा नरेंद्र कोहली का। ऐसे याद करेंगे कोहली से, है ना, परेशानियां बढ़ जाती हैं दूसरी टीम की, तो ये चीज याद कर लेंगे। अंत और आरंभ के निबंधकार कौन है, अंत भी होता है और आरंभ भी होता है, ठीक है। तो अंत और आरंभ के क्या हो जाएंगे, निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा हो जाएंगे। आप निर्मल बाबा के यहाँ पहुंचो, तो वो तुम्हारा अंत भी बता देंगे और आरंभ भी। बेटा तुम्हारी जो रेखा है वो बोल रही है कि तुम्हारा जन्म जन्म इस सन में हुआ था, और तुम्हारा अंत इस सन में हो जाएगा। इस प्रकार से बता देते ना बाबा लोग, तो निर्मल वर्मा हो जाएंगे, निर्मल वर्मा। और निर्मल बाबा का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो अंत भी बता देते और आरंभ भी बता देते, सब कुछ बता देते। तो अंत और आरंभ किसका हो जाएगा, निर्मल वर्मा का। ये चीज आप देख लेना। मन की बात निबंध के रचनाकार कौन है, तो मन की बात है कैसे, गुलाब राय की है, मन की बात है। अब एक बात बताना कि कोई प्रेमी जब अपनी मन की बात अपनी प्रेमिका से नहीं बोल पाता, तो क्या करता है, गुलाब लेके पहुंच जाता है। तो मन की बात अपनी क्या कैसे दे देता है, वो गुलाब के माध्यम से दे देता है, ठीक है, गुलाब के माध्यम से। तो मन की बात है कैसे देना है, गुलाब से देना है, तो गुलाब राय, मन की बात है गुलाब राय, ठीक है। इस प्रकार से देख लेना। अंग्रेजी स्रोत के रचनाकार कौन है, अंग्रेजी स्रोत तो भारतेंदु, ठीक है। अंग्रेज जो थे वो क्या बन के आए थे भारत में, स्रोत बन के आए थे, स्रोत बन के आए थे। तो अंग्रेजी स्रोत के रचनाकार कौन हो जाएंगे, भारतेंदु हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज स्रोत बनकर कहाँ आए थे, भारत में आए थे। तो भारतेंदु हो जाएंगे अंग्रेजी स्रोत निबंध के रचनाकार। नेक्स्ट है चिंतामणि निबंध संग्रह, ये रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि, और विचार वीथी भी इनका है, ठीक है। तो चिंतामणि, अब आपने देखा होगा कि जहां देखो वहां रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने वैसा कहा है, सब कुछ रामचंद्र शुक्ल का। अब तुम्हें नहीं लगता है ऐसे पढ़ के कि रामचंद्र शुक्ल को ही ज्यादा चिंता थी हिंदी साहित्य की, तो चिंतामणि निबंध संग्रह किसका हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, क्योंकि इन्हें ज्यादा चिंता थी। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा बहुत प्रयास किया है यहाँ पर याद करने का, रिलेट करके याद करने का। आशा है कि आपको ये जो निबंध हमने बताए हैं वो याद हो गए होंगे। दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं, जो भी याद नहीं हुआ हो तो वो फिर से हम याद करवा देंगे, ठीक है। वैसे भी तो याद हो गए होंगे, और भी नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और हमारे वीडियो संधि समास के भी वीडियो देखें सभी, है ना, जो भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी से संबंधित वो सभी लोग देखें, संधि समास देखें। और क्रिया सकर्मक अकर्मक बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से हमने बताई है, अलंकार को भी बताया है, सभी लोग देख लें अच्छे से एक बार, और देख करके अच्छे से पढ़ें, और जिस भी परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें आप अच्छे नंबर लेकर आए, ऐसी हमारी शुभकामना है। यहाँ पर याद कर लिया हमने, और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि
हमारा और आपका संपर्क बना रहे और वीडियो आपको मिलते रहे, एक दूसरे का साथ चलता रहे, ठीक है। बाकी तो मन की बात हम काय से दे देंगे, गुलाब के माध्यम से, है ना। मन की बातें काय से देना है, जो मन की बात नहीं बोल पाते वो गुलाब से देना है। तो मन की बात निबंध गुलाब राय, इस प्रकार से याद करना है सभी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।